बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्राहली सदरी वयसरली अमरी वाहलुल उक्दता मिन लिसानी यफकहू कौली। अस्सलामुअलैकुम, टुडे इज़ वेंसडे, लेक्चर नंबर 17 एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर वर्क। सो प्लीज़ टेक आउट योर कोर्स बुक्स। हैव यू टेकन आउट? वेरी गुड। नाउ प्लीज़ टेक आउट योर कॉन्टेंट्स पेज, पेज नंबर 30। Okay, we are going to start our new lesson today. Who should I pray for? मैं किसके लिए दुआ करूँ? अच्छा जी, जब हमें कोई मुश्किल होती है या प्रॉब्लम होती है तो हम सारे कोशिश करते हैं बींग अ मुस्लिम कि नमाज़ पढ़ें और अल्लाह ताला से दुआ करें। और जब हम दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला हमारी दुआएं सुनते भी हैं। और आपको पता है कि जो जिस एज में आप हैं, आप लोगों की दुआएं तो फटाफट से अल्लाह ताला कबूल कर लेते हैं। इसलिए आपको कोई भी चीज़ चाहिए हो, आपको कोई भी विश हो जो आपकी पूरी नहीं हो रही, तो आपने क्या करना है, फटाफट से जायनमाज़ पे बैठना है, नमाज़ पढ़नी है, दो नफिल पढ़ने हैं और उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि अल्लाह जी हमारी ये दुआ कबूल कर लें। तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह 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 आपकी सारी दुआएं कबूल करेंगे और आपको खुश कर देंगे। ठीक है जी, तो कौन कौन बच्चा दुआ करेगा अपने लिए भी और सबके लिए? कोशिश करते हैं कि अपने लिए दुआ करें, अपने मुल्क के लिए दुआ करें, अपने पेरेंट्स के लिए दुआ करें, उनकी सेहत के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और हम जल्दी जल्दी से स्कूल आएँ, क्योंकि स्कूल तो ज़्यादा अच्छा लगता है ना आना रोज़। अब रोज़ एक ही रूटीन, घर घर घर, सब लोग तंग आ गए हैं। अल्लाह ताला इस वबा को ख़त्म करें और ताकि हम जल्दी से सारे मिलें और रोज़ हम ढेर सारी बातें करें। ठीक है जी, कम बैक टू आवर यूनिट। मेंशन डेट इट एट द टॉप ऑफ द पेज एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट। ड्यूरिंग द लेक्चर लंच ब्रेक यू सी योर फ्रेंड टेकिंग समथिंग आउट of classmate's bag. Nobody else sees this. Later, the teacher tells the class that one of the student has lost some money from her bag. Will you keep quiet? Will you tell the teacher what you saw? अच्छा जी, एक छोटा सा starter है यहाँ पर। अगर आप class में बैठे हुए हैं और आपकी class के दौरान ही आपका एक friend, बहुत अच्छा friend, कोई चीज़ किसी दूसरे दोस्त के बैग से निकाल लेता है और आप उसको देख रहे हैं और कोई भी नहीं देख रहा, तो आप क्या बाद में टीचर को बताएंगे या चुप कर जाएंगे? और बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए? अब ये जो आंसर है ये आप मुझे तो नहीं बता सकते, आप अपनी मामा को बता दीजिए या ट्यूशन वाली टीचर को बता दीजिए। इट्स बेटर गुड। नाउ रीड द स्टोरी। A man had two daughters. एक बंदा था, उसकी दो बेटियाँ थी। The girl grew up and got married. लड़कियाँ बड़ी हुईं और उनके बाप ने शादी कर दी। The elder daughter married to a potter. बड़ी बेटी जो थी वो एक potter, जो potter होता है मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, potter मिट्टी के बर्तन बनाने वाला। Write down the meaning over there. Potter मिट्टी के बर्तन बनाने वाला। The younger one married अ गार्डनर। छोटे वाली जो थी उसकी शादी एक माली से हुई। आफ्टर मैरिज ईच डॉटर वेंट टू लिव विद हर हस्बैंड इन हिज विलेज। शादी के बाद दोनों बेटियाँ उनके अपने हस्बैंड्स के साथ गांव में, अलग-अलग गांव में रहने लगी। बोथ ऑफ देम वर वेरी हैप्पी। दोनों जो थी वो बहुत ज़्यादा खुश थी। वन डे द फादर वेंट टू सी His daughters. एक दिन अब्बा जान ने सोचा कि वो अपनी बेटियों से मिल के आते हैं। First he went to his younger daughter who had married the gardener. पहले वो छोटी बेटी के पास गए जो कि जिसकी शादी किससे हुई थी, गार्डनर से, माली से। The girl was very happy to see her father. लड़की जो थी वो अपने अब्बा जान को देखकर बहुत खुश हुई। Asked her, how are you my child? अब्बा जान ने पूछा कि मेरी बेटी आप कैसी हो? वी आर हैप्पी। सी द नेक्स्ट पेज प्लीज। वी आर हैप्पी फादर ही सेड। हम बहुत खुश हैं अब्बा जान। बट लाइफ इज डिफिकल्ट। डिफिकल्ट होता है मुश्किल, लेकिन जिंदगी बहुत मुश्किल है। देर इज नो रेन। बिल्कुल बारिश नहीं हो रही। इफ देर इज नो रेन वी विल बी इन ट्रबल। ट्रबल कहते हैं मुश्किल को। अगर बारिश नहीं होगी तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। ऑल माई हस्बैंड्स प्लांट्स विल ड्राई अप। मेरे मियाँ के तमाम पौधे जो हैं वो खुश्क हो जाएंगे। वी विल हैव नथिंग टू सेल।
हमारे पास बेचने के लिए कुछ नहीं होगा. सेल का मतलब होता है बेचना, हमारे पास बेचने के लिए कुछ नहीं होगा. एंड देन वी विल हैव नथिंग टू ईट, और फिर जब हमारे पास बेचने को कुछ नहीं होगा, जब हम कुछ बेचेंगे ही नहीं, तो फिर हमारे पास खाने के लिए कैसे आएगा, और फिर हमारे पास खाने को कुछ नहीं होगा. आई होप इट विल रेन सून, मेरी मुझे उम्मीद है या मैं दुआ करती हूँ कि जल्द ही बारिश हो जाए. ओके जी, द मैन सेड टू हिज डॉटर, डोंट वरी माई चाइल्ड, आई शेल प्रे फॉर यू फॉर द रेन रेन्स टू कम सून. मेरी बेटी आप परेशान ना हो, मैं आपके लिए दुआ करूँगा कि जल्द ही बारिश हो जाए. आई एम श्योर गॉड विल लिसन टू माई प्रेयर्स, मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला हमारी दुआओं को ज़रूर सुनेंगे. ही लेफ्ट एंड वेंट टू द नेक्स्ट विलेज, उसने ये कहकर उसके घर से निकल आया और फिर अगले गाँव की तरफ चल पड़ा. His elder daughter lived there with her husband. उसकी जो बड़ी बेटी थी वो अपने जहाँ उसकी बड़ी बेटी अपने मियाँ के साथ रह रही थी. The potter, जो कि एक कुम्हार था, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को वैसे उर्दू में इस्तलाहन कुम्हार कहते हैं. She too was very happy to see her father. वो भी अपने अब्बा जान को देखकर बहुत खुश हुई. हाउ आर यू माई चाइल्ड, ही आस्क्ड, उसने पूछा कि आप कैसे हैं अब्बा जान. वेरी वेल, फादर रिप्लाइड द गर्ल, बहुत मैं बिल्कुल ठीक हूँ. द सन इज़ शाइनिंग, इट इज़ वेरी हॉट, सूरज चमकता है और बहुत ज़्यादा गर्मी है. पीपल कम हेयर एवरी डे, लोग यहाँ पर रोज़ाना आते हैं. लोग यहाँ पर रोज़ाना आते हैं. दे बाय पॉट्स टू कीप देयर वाटर कूल, वो हमसे बर्तन ख़रीदते हैं अपने पानी को ठंडा रखने के लिए. आपने कभी देखा है घड़ा, एक वाटर पॉट होता है छोटा सा मिट्टी का बना हुआ, गोल सा नीचे से होता है और ऊपर से नैरो होता है, और उसके अंदर पानी डालते हैं और वो फिर अगर फोर्टनाइट भी उस पानी को यूज़ करें तो वो पानी बहुत ठंडा होता है और मज़े का लगता है. और उस मिट्टी के बर्तन में वैसे भी खाना पीना सुन्नत है, तो देखें अगर आपको नज़र आए तो फिर आपने मुझे बताना है कि आपने मिट्टी का पॉट देखा था जिसमें पानी होता है, उसको क्या कहते हैं, घड़ा. बिजनेस इज़ वेरी गुड, हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है. द हॉट सन हेल्प्स आर पॉट्स टू ड्राई फास्ट, गर्म सूरज हमारे बर्तनों को जल्दी जल्दी सूखने में मदद देता है. आई होप इट डजंट रेन, मैं उम्मीद करती हूँ कि बारिश ना हो. इफ़ इट रेन्स आर पॉट्स वॉन्ट ड्राई, अगर बारिश हो गई तो हमारे जो बर्तन हैं वो नहीं खुश्क होंगे. ऑल्सो इफ़ इट रेन्स पीपल विल नॉट बाई पॉट्स, और अगर बारिश हो गई तो मौसम अच्छा हो जाएगा और फिर लोग हमारे से बर्तन नहीं खरीदेंगे. द फादर स्टेड देयर फॉर अ लिटल वाइल, बाप वहाँ पर थोड़ी देर खड़ा रहा. एंड देन लेफ्ट, और फिर चला गया. As he walked back to his village, जैसे ही वो अपने गाँव की तरफ वापस गया, the poor man did not know what to do. वो गरीब आदमी को नहीं पता था कि वो क्या करे. अब वो परेशान हो गया. एक बेटी कहती थी कि आप दुआ करें कि बारिश हो, और एक बेटी कहती थी आप दुआ करें कि बारिश ना हो. One daughter wants the rain, the other doesn't. एक लड़की जो थी, प्लीज़ टर्न आउट द पेज एंड मेंशन डे डेट एट द टॉप. एक बेटी उसकी आदमी की कहती है कि बारिश हो, और दूसरी बेटी कहती है कि बारिश ना हो. इफ़ इट डजंट रेन माई यंगर डॉटर विल सफ़र होता है कि मुसीबत में रहेगी या परेशानी में रहेगी. अगर बारिश नहीं होती तो मेरी छोटी बेटी मुश्किल में पड़ेगी. इफ़ इट रेन्स, और अगर बारिश होती है, माई एल्डर डॉटर विल सफ़र, और अगर बारिश हो जाती है तो मेरी बड़ी बेटी मुश्किल में रहेगी. वट एम आई टू डू, वो कहता है अब मैं क्या करूँ, वो परेशान हो गया. अब आप ज़रा सोचें और फिर ज़रा बताएं कि उसको क्या करना चाहिए. ओके जी, आफ्टर डूइंग दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट लर्न टू रीड वन. द यंगर डॉटर वॉज नॉट Happy to see her father, true or false? अब आपने राइट ऑप्शन को टिक करना है.
छोटी बेटी जो थी वो अपने अब्बा जान को देखकर खुश हुई या नहीं हुई, ये ट्रू या फॉल्स है, जो आपको ठीक लगता है आपने उसके आगे टिक कर देना है या उसको सर्कल कर दें। ओके, अब हम ऑरली इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं, बाद में हम इनको रिटन कॉपी पर करेंगे। व्हाई वाज द यंगर डॉटर वर्ड, यंगर डॉटर क्यों परेशान थी, छोटी बेटी क्यों परेशान थी, इसका आंसर आपने लिखना है। अभी नहीं लिखना, बाद में जब हम इसको करेंगे तब करेंगे। हाउ डिड हर फादर प्रोमिस टू हेल्प हर, उसके अब्बा जान ने कैसे उसको उसकी मदद करने का वादा कैसे किया। व्हाट डिड द एल्डर डॉटर वांट, बड़ी बेटी क्या चाहती थी। व्हाट वाज द ओल्ड मैन्स प्रॉब्लम, और व्हाट वाज द ओल्ड मैन्स प्रॉब्लम, और बूढ़े आदमी का मसला क्या था। ठीक है जी, ये आपके क्वेश्चंस हैं, अभी हम इनका आंसर्स अभी नहीं करेंगे, कॉपी पे करेंगे। सिर्फ आपने फर्स्ट वाले का आंसर करना है बुक के ऊपर, ट्रू है या फॉल्स है। आफ्टर डूइंग दैट योर होमवर्क इज डिक्टेशन, राइट डिक्टेशन वर्ड्स टू टाइम्स ऑन योर होमवर्क कॉपीज। फाइन, एंड इट्स ऑल फ्रॉम टुडे। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।